कायदा अपनी वीडियो आती है वहाँ पहुँचते ही जी जी। उसका टाइम के साथ दिन भर टाइम के साथ उसके उसका चारा खाते हुए गोटी में सब भाई का स्वागत। दोस्तों आज पहुंचे हैं गांव रोड़ा वाली जिला हनुमानगढ़। ज्यादा जानकारी ओनर से लेंगे, उससे पहले जो भाई पेज पैर उनसे गुजारिश अपने पेज को फॉलो कर लो क्योंकि हम लाते हैं हनुमानगढ़ गंगाना जितने स्टेट फॉर्म गोट फॉर्म डेरी फार्म सबकी वीडियो। तो दोस्तों आज वीडियो आई है ट्रांसपोर्ट की, ऑल इंडिया कैसे होता है। काफी भाई कहते हैं यार कमेंट करते हैं कि भाई हम यहाँ पहुंच जाएगा माल वहाँ पहुंच जाएगा, ओनर से मिलते हैं यहाँ जो ट्रांसपोर्ट करवाता है। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार नमस्कार। और पन्न भाई साहब क्या हाल चाल है? बढ़िया जी बढ़िया, आप बताओ। पन्न भाई ये बता दें आपने ट्रांसपोर्ट का काम करते कितना टाइम हो गया आपको? ट्रांसपोर्ट का काम हो गया मेरे को 3.75 साल। 3 साल पहले आदमियों का करते थे, आप जानवरों पे आ गए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है ना। ये और बता दे भी आज जो आपका ट्रांसपोर्ट हो रहा है ये कहाँ कहाँ हो रहा है? ये जी इसमें दो ही जगह के माल है, स्पेशल गाड़ी जा रही है अपनी सूरत और बॉम्बे। सूरत और बॉम्बे, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। वाया क्या रहता है इसमें? ये वाया रहेगा अपने पालनपुर अहमदाबाद राजस्थान में, राजस्थान में रहेगा ये जोधपुर होके बीकानेर जोधपुर पाली होके, हाँ जी। और सीधा गुजरात में एंट्री, गुजरात से सीधा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र तो ये कितने दिनों से आपकी गाड़ी जाती रहती है इस रूट पे? ये अपने चौथा पांचवा चक्कर है जी, एक महीने में मान लो भी चौथा पांचवा चक्कर है। मतलब हर हफ्ते आप इस गाड़ी चलती रहती है? बिल्कुल जी बिल्कुल। ठीक है, इसमें आप कुछ बदलाव की बात हमारी ऑफ द कैमरा बात हो रही थी कि हम इसमें कुछ बदलाव कर रहे हैं, वो क्या बदलाव कर रहे हैं कि हमारे यहाँ लोकल व्यापारी को भी पता लगे कि भाई क्या सुविधाएं हैं? अब आगे एक बड़ी गाड़ी की बात हो रही है उसके बारे में आपका क्या कहना है? और जो गाड़ी की जितनी होती है उसके हिसाब से ही अपने नगर बिल्कुल बिल्कुल जितनी कैपेसिटी होती है गाड़ी के अंदर, जितना जानवर खुली तरह से जा सके आराम से जा सके बीमार ना हो तो उतने ही लेके जाते हैं। बिल्कुल पवन भाई की ये सुविधा बहुत अच्छी है। दूसरी बात, इसका रिजल्ट मैं नहीं कह रहा, ये जो सामने जो पार्टियां जिनका नग जाता है जहाँ पहुंचता है वो खुद कहते हैं भी हाँ ये हमारा नग सही तरीके से पहुंचा है। बिल्कुल, उसी के कारण अपने जो गाड़ियां निकल रही है हफ्ते में हफ्ते पर हफ्ते निकले एक ही रूट की गाड़ियां, बाकी अदरवाइज सब जगह जा रही है। जैसे बॉम्बे सूरत का रूट है हर हफ्ते अपनी गाड़ी निकलती है। इसके अलावा और कौन कौन से रूट पे आपकी गाड़ियां परमानेंट चल रही है? परमानेंट आगरा लखनऊ परमानेंट हफ्ते की गाड़ी है, दूसरी है अपनी सूरत बॉम्बे। इसके अलावा जैसे कर्नाटका में या कहीं और के रूट पे उन पे क्या सुविधा किस तरह से आप देते हैं? कर्नाटका का अभी तक अपना चल रहा था डबल ट्रांसपोर्ट, ठीक है, जैसे आगरा से कर्नाटका करवा दिया, अब यहाँ से सूरत, सूरत से आगे ट्रेन में करवा दिया, ठीक है। अब अपनी बड़ी गाड़ी आ रही है, 2 या 3 दिन में अपनी बड़ी गाड़ी आ जाएगी 14 फुटी 15 फुटी, ठीक है। उसमें अपने तारीख के हिसाब से महीने में हर जगह का 2 चक्कर लगेंगे, सूरत बॉम्बे जा रही है। मौके का मेरे पास 2 गाड़ियों का माल है अभी, इसमें मैं एक में डाल दिया, ये गाड़ी वहाँ पहुँच गया वापसी यही पहुँचते जस्ट निकलेगी दोबारा, दो दिन बाद में पहुँचते यहाँ से दोबारा निकलेगी, ठीक है। बिल्कुल जैसे पवन भाई एक चीज़ और बता दें, जैसे मेरे पास फोन आता है जैसे मान लो जम्मू कश्मीर से भी आता है तो यहाँ भी ट्रांसपोर्ट होता है या नहीं होता? जी होता है, बिल्कुल होता है, बिल्कुल हो जाता है। थोड़ा सा मुश्किल है पर होता है, होता है, करते हैं बिल्कुल। किसी के पास कोई जानवर रुका हो आपको कॉल कर सकता है क्या वो ट्रांसपोर्ट करवा देंगे आप? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल भाई, कि ये आप कह रहा हूँ मैं आपको, काफ़ी भाई मुझे कमेंट भी करते हैं या फ़ोन भी करते हैं भाई हमारा 2 दिन से ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा, 3 दिन से नहीं हो रहा या 2 महीने से नहीं हो रहा। तो अगर किसी भाई को ये सुविधा है, एक चीज़ और बता दें यार आपने हनुमानगढ़ के अलावा गंगानगर भी है, काफ़ी जगह है तो माल तो हर जगह है लेकिन हर जगह ट्रांसपोर्ट नहीं है। हाँ जी। तो पंजाब में भी माल आता जाता रहता है लेकिन वहाँ भी ट्रांसपोर्ट की सुविधा नहीं, अगर वो वहाँ से खरीदता है जी जी यहाँ से ट्रांसपोर्ट होता है, यहाँ से ट्रांसपोर्ट हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल ये बहुत बड़ी बात है, अगर बाहर से कोई माल खरीद रहा है तो आपको सिर्फ और सिर्फ हनुमानगढ़ पवन भाई के यहाँ पहुँचाना है, यहाँ से ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट हो जाता है। बिल्कुल क्या चार्ज लेते हो आप ट्रांसपोर्ट का? जैसे अब ये गाड़ी जा रही है जी जी सूरत और बॉम्बे जा रही है जी जी, मान के चलो अभी इसमें 2000 रुपए नग चल रहा है, 2000 रुपए प्रॉपर नग है। बिल्कुल बिल्कुल जितना भी नग, अगर कोई एक नग मंगवाता है या 2 नग पहुंचा देते हो? बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है। काफी भाई कहते हैं यार हमारे पास गाड़ियों का माल नहीं होता या कुर्बानी पे बकरे 1-2 मंगवाते हैं, वो बहुत बड़ी बात होती है कि 1-2 मंगवा लें तो ट्रांसपोर्ट हो जाता है, हो जाता है, कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं का। मान के चलो भी मेरे गाड़ी निकालने से पहले ट्रेन में अपना यहाँ से ट्रांसपोर्ट मान लो अमूमन बंद हो गया था, मौके का आप बंद ही मानो जी जी, ट्रेन से नहीं हो रहा बाय रोड ही हो रहा था। जब से मैंने ये गाड़ी निकाली है किसी का 1 नग है चाहे 4 नग है, अपनी गाड़ी हर हफ्ते जा रही है, हर हफ्ते जा रही है। बिल्कुल, किसी भाई का 1 नग हो चाहे 2 नग हो उसका 6 या 7 दिन से ज्यादा नग नहीं रुकेगा बॉम्बे का। तो जैसे आपने बोला कि डबल ट्रांसपोर्ट होता है, डबल ट्रांसपोर्ट काफी भाई पूछते हैं कितना टाइम लग जाता है यहाँ तो नहीं, यहाँ से आपने सूरत भेजा, सूरत जानवर कितने दिन रुकेगा और वहाँ जो खाने का कोई काम नहीं है उधर, हो सकता है 1 दिन रुके जी जी नेक्स्ट डे हो जाता है, नहीं वहाँ रुकेगा तो उसमें कोई खाना पाना सब होता है? बिल्कुल, उसकी बकायदा अपनी वीडियो आती है वहाँ पहुँचते ही जी जी, उसका टाइम के साथ दिन भर टाइम के साथ उसके
उसका चारा खाते हुए की जी। और जानवरों की अच्छी तरह वीडियो उसके अंदर लगाई जाती है, मेरे पास आती है, मैं अपने ग्रुप में डालता हूँ भी अपने इस दिन इस टाइम पे ये जानवर अपने चर रहे हैं, इस खा रहे हैं आराम से स्वस्थ हैं। और दूसरी बात, मैं कभी भी जानवर भेजता हूँ जैसे नॉर्मल होता है, जैसे वहां से पूना जाना है या बैंगलोर जाना है या कहीं जाना है, वो जो रेटवीन में चल रहा है वो तो है, अगर नई जगह का डबल ट्रांसपोर्ट हो तो मेरी आगे बात होगी, वो बंदा ओके करेगा तो अपने डालेंगे, नहीं तो नहीं डालेंगे। बिल्कुल ठीक है, पवन भाई अपना नंबर दे दो। मेरा नंबर है 8432800484। ये थे पवन भाई, देख सकते हैं भाई पवन भाई का ट्रांसपोर्ट, बकरे जा रहे हैं इस गाड़ी में, देख सकते हैं भाई बॉम्बे के लिए। किसी भाई को चाहिए तो एक बार कॉन्टैक्ट जरूर करें, शुक्रिया।